बाद इस बार नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कहीं शिवकालीन युद्ध कला का प्रात्यक्षिक तो कहीं महाराज को दूध का अभिषेक कर उत्सव मनाया गया। आइए देखते हैं इस पर्व की कुछ झलकियां। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती पर्व पर नागपुर में कई जगह कार्यक्रम लिए गए। इस कार्यक्रमों के माध्यम से दो साल के बाद पूरे हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया गया। महल के शिवतीर्थ छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले पर दुग्धाभिषेक कर तथा आरती उतार कर मानवंदना दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिवभक्त वहाँ उपस्थित थे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जो तारीख के अनुसार जो है अंग्रेजी कालगणना के अनुसार वो हमने मनाई। आज सुबह 6 बजे महाराज को दुग्धाभिषेक और पंचामृत से अभिषेक किया गया। उसके बाद में महाराज को हार पहनाया गया और उसके बाद महाराज की आरती हुई और आरती होने के बाद यहाँ ढोलताशा पथक ने अपना वादन किया। महाराज को अभिवादन करते हुए उन्होंने ढोलताशा किया और उसके बाद शिवकालीन प्रात्यक्षिक भी यहाँ दिखाए गए और काफ़ी मात्रा में बड़ी संख्या में लोगों में उत्साह था क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ये सबके आदरणीय हैं और इस कारण ये इस साल का जो महोत्सव है बहुत बड़े पैमाने पर है। कि लोगों ने है और कोरोना का जो संकट है अभी फिलहाल जारी है तो लोगों ने थोड़ा सा वो उसके ऊपर नियमों का पालन करना चाहिए, यही हम आज के दिन। इस अवसर पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने भी यहाँ आकर महाराज को अभिवादन किया। शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी भी यहाँ महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के लिए पहुँचे और इस पावन पर्व पर जनता को बधाई भी दी। पूर्व नागपुर के विजयनगर परिसर में भी शिव जयंती पर्व के उपलक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ मुख्य रूप से चीमाजी अप्पा व्यायामशाला के विद्यार्थियों ने शिवकालीन युद्ध कला के करतब दिखाकर लोगों का मन मोहा। साथ ही कई जगह यह कार्यक्रम आयोजित हुए। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।